जय भीम, सभी को नमस्कार। बाकी तो सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई दी है कि सरकार हमें कैसे बनानी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आने वाले 22 के चुनाव में कोई आपको किसी भी तरीके से बहकाने का काम करे, आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। अगर बहकावे में आ गए तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। शिक्षा खत्म हो रही है, बिल्कुल रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप सभी देख रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव से पहले कम कर दिए, लेकिन अगर इस बार सरकार आ गई तो आप तेल भराने के लायक भी नहीं बचोगे, पैदल चला करोगे। स्कूल कॉलेज अपने रोजगार नौकरी कुछ नहीं बचेगी, सब ऐसी रह जाएगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आने वाले 22 में अधिक से अधिक वोट देकर माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राम कुमार राही, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में मेरठ से आए हुए कांशीराम विचार यात्रा में नितेश पवार जी हैं, जो बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, मिशनरी हैं। जब से रथ यात्रा चालू हुई है तब से शायद है कि एक दिन के लिए घर भी नहीं गए हैं, बराबर साहब के साथ में रहते हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं नमो बुद्धाय जयभीम करता हूँ आपको। और सर बताइए कि आप कब से मिशनरी काम में जुड़ गए हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सन 2018 से पहले ABVP जो कि राष्ट्रीय चैनल नहीं संगठन संगठन छात्र सभा का संगठन है जी, उसमें काम किया करता था। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में, उसमें राजनीति अपनी किया करते थे जी। तो उस बीच में हमें माननीय जयप्रकाश जी से मुलाकात हुई। माननीय पहली मुलाकात कहाँ पे हुई आपकी? हमारी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई। अच्छा, दिल्ली में। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के द्वारा जी। तो उनसे फिर बैठकर बात हुई, उनसे बहुत सारी बातें हुई, तो उनकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेन चीजें समझाई कि हम किस चीज के लिए राजनीति करना चाहते हैं, किस चीज के लिए संघर्ष, किस तरीके से हम समाज सेवा कर सकते हैं। मेन लड़ाई है यहाँ पर गरीबों की और अमीरों की, जो कि आज की वर्तमान स्थिति आप देख रहे होंगे कि भाजपा सरकार जो चल रही है ये सिर्फ जमा पूंजियों के कुछ चुनिंदा के ही लिए अपना पूरा काम कर रही है, और जो कि वो बहुत कम है, और जो हमारा गरीब शोषित वंचित समाज है वो बहुत ज्यादा तादाद में है, उसके लिए ये भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए भाई साहब जी ने मुझे समझाया था, माननीय जयप्रकाश जी ने, कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम करेंगे, सब यूथ टीम होगी। तो तभी से मैं, मुझे साहब की बातें समझ में आई, बहुत अच्छी लगी, और तब से मैं उनके साथ लगातार चल रहा हूँ तब से। सर जी, मैं देख रहा हूँ शायद जितनी बार जयप्रकाश साहब के साथ में आप आए हो और हमारी मुलाकात बराबर आपसे होती रही जी। आपके अंदर जो जज्बा और जुनून देखा है और जो आप कुर्बानी दे रहे हो समाज के लिए, ये कम नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों को लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे आपने बताया कि कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी तो हमारे महापुरुष देते आए हैं जी। उसी का कारण है कि आज हम यहाँ पे अच्छे से बैठे, हमने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ चीजें कर रखी है। तो ये सिर्फ हमारे महापुरुषों की ही देन है, ये बाबा साहब की देन है कि हम सब जो एक साथ बैठ उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं एक साथ, अगर हम मनुवादि के अनुसार चलते तो शायद हम ऐसे ना बैठ पाते और ना ऐसे समाज में घूम पाते, ना राजनीति कर पाते। क्योंकि राजनीति करने का, शासक करने का तो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही हक था। बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति करने का, मतलब अपनी स्वेच्छा कुछ भी काम करने का सबको अधिकार दिया है। लेकिन सर जी, समाज सेवा कहते हैं कि हर किसी के बस की बात भी तो नहीं है, बहुत कठिन काम रहता है। ये बिल्कुल सत्य वचन है आपको, लेकिन जो हकीकत में जज्बा और जुनून वाले हैं, जिनके अंदर कुछ करने का हौसला है जी, किसी ने कहा है कि दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है,
लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं, हौसला हो कुछ करने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं कोई भी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान ने ना किया हो, जो कि आज तक काम हो चुके वो कहीं ना कहीं इंसान ने ही किए होंगे, और जो आगे भी नए आविष्कार होंगे वो भी इंसान ही करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई जानवर नहीं करने का कोई भी नया आविष्कार। तो संघर्ष तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और संघर्ष करने के लिए बहुत सारे त्याग देने पड़ते हैं, उन त्यागों से भी ऊपर उठना पड़ता है। और आपने जैसे कि पूछा था मेरे से कि आप बहुजन समाज पार्टी में किस लिए जुड़े हो, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमें इसलिए अच्छी लगी है कि आप देख लीजिए वर्तमान में सरकार है और हमारे राष्ट्रपति है जो कि पूरे देश का प्रथम पद है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं, वो एक मंदिर में गए थे, उनको जीने की पैड़ी पे बैठा दिया गया था, वहां पे सारे राष्ट्र के टॉप लीडर थे, उन्हें मंदिर से बाहर ही बैठा दिया गया था। तो जो कि क्योंकि वो भाजपा सरकार, वो जो उसमें जो ऊपर के लोग हैं वो नहीं चाहते कि अपने से नीचे वालों को बढ़ावा कहीं ना कहीं मिले, और एक बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि हर एक को अपनी स्वेच्छा अपने अधिकार दिलाने का काम करती है, हर एक इंसान को, उसमें चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबको नियंत्रित रखने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। सर जी मेरा आपसे कहना है, किसी ने लिखा है कि बांध लो अपने सर पर कफन, अभी आजादी बाकी है, दे दो एक लड़का एक लड़की इस मिशन के लिए, क्योंकि अभी आजादी का बिगुल बजना बाकी है। आपने हम तो 24 घंटे कफन ही सर पे रख के बांध के चलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता होता रास्ते में 24 घंटे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 40-40 घंटे, मैं और जयप्रकाश जी भाई साहब जी ने एक साथ सफर तय किया है गाड़ी में, 24-24 घंटे जाग के, तो ये हर टाइम मौत को हथेली पे ही लेकर चलने का काम होता है। सर जी आप हमारे बीच में आए, मैं आपको बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय हिंद।